गाइस मैं हूँ आपका भाई मोहम्मद सफ़ी और आप देख रहे हैं मोहम्मद सफ़ी जायदा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे जी। आज हमारे साथ बहुत प्यारे भाई हैं हमारे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक है हम। सर आप ये चीज़ें अब मुझे ना आज ये मिले, मुझे माशाल्लाह से ये ना ये सेल करते हैं माशाल्लाह अल्लाह पाक के नाम है माशाल्लाह से। तो मुझे ना इनकी जो बातें हैं मुझे ना बहुत अच्छी लगी, बड़ा ना इनका इखलाक अच्छा था। तो मैंने ना इनसे ये ख़रीदा भी ना, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे इनसे मिलके। तो भाई जान अपने बारे में बताएं, हम आप कहाँ से हैं आप माशाल्लाह से? जी मैं इस लाहौर से ही रहने वाला हूँ जी। जी तो ये काम करता हूँ। अच्छा। इसको देता हूँ, बनाता हूँ, लोग जो मुझे देते हैं जी जी उसका सिस्टम बस मैं चला रहा हूँ अपनी ज़िंदगी का। अच्छा जी। बस और हर किसी से इखलाक से प्यार से बात करनी पड़ती है जी। जी तो मेरी बात इनको अच्छा लगा है, इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है, मैं कहा चलो। और कब से ये कर रहे हैं आप, कब से ये अपना की पता है बचपन में कोई? बचपन में बस बचपन में तो पढ़ते रहे हैं थोड़ा सा, फिर थोड़ी सी उम्र ज़्यादा हुई है तो कोई नौकरियां करते रहे उस वक्त। अच्छा। सन 95 96 97 करते रहे, कुछ जो मिलता रहा उस वक्त। वह क्या कहते हैं उसको, ज़माना थोड़ा सा सस्ता था, ज़्यादा हो जाता था जी जी। उसके बाद फिर कोई किताबों का काम शुरू कर दिया 2005 में। अच्छा। 2004 में, तो उसके बाद यही चलते आ रहा है अभी तक। अच्छा 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 हाँ ये चीज़ है। तो आजकल थोड़ा सा गुजारा महंगाई की वजह से कम जी हो रहा है, तो इस वजह से कुछ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अच्छा। कभी लाहौर में, कभी लाहौर से बाहर चले जाते हैं, लेकिन रहने वाला मैं लाहौर से ही हूँ। अच्छा अच्छा लाहौर। आईडी मेरा लाहौर से ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। आज इधर आया हूँ मैं, माशाल्लाह इधर अच्छे लोग मिले हैं मुझे जी जी। इतने भी नहीं, कई इलाकों में शाम हो जाती है लोगों से बोल के बात करके, कुछ अच्छे मिलते हैं कुछ नहीं जी। इस वजह से तो ये आप क्यों करना पड़ा ये ऐसा काम, मुझे ये बताएं मुझे। आप ऐसे स्टडी कितनी की है आपने, स्टडी वगैरह? मैं अंडर मैट्रिक हूँ। अंडर मैट्रिक और माशा उस वक्त की है ये इंग्लिश में, पुराने ज़माने की हर चीज़ जो है वो तो आपको पता है, कोई ना जेन सोच जो है अभी तक आती है, लेकिन इतना मैं हाई क्लास पे नहीं हूँ, मतलब जैसे मास्टर जिसे आती है या वो वैसे ही ज़रा उन लोगों से डील कर लेना या उनसे वैसे इसका बात कर, लड़कों से ज़्यादा मैं इस चीज़ का अच्छा समझता हूँ। अच्छा अच्छा। थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोल के बताएं, थोड़ा सा हमारे नाज भी देख रहे हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में बोल के बात बताएं। इतना कोई मसला नहीं, थोड़ा बहुत बोलें आप, जैसे अभी आप भाई को बता रहे थे आपकी बात बताए, ये जो आप कर रहे हैं इसका तो मेरा सिस्टम खराब हो गया। नहीं देखिए जी, मसला नहीं है, आप बेफिक्र होगी, आपको ले रहे हैं हमारे भाई हैं हमारे, हम आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, जो भी आपको देखेंगे इंशाल्लाह आपकी हेल्प भी करेंगे इंशाल्लाह। आप बताएँ थोड़ा सा लाइफ के बारे में बताएँ, ये क्यों करना पड़ा आपको ये काम वगैरह? बस इसलिए कि ये नहीं कि इसको मैंने कोई आसानी के लिए किया है जी, ये सिर्फ काम कर रहा हूँ जो दिल है, मेहनत का दीन चुराने वालों में से नहीं है, मेहनत नहीं करनी यार, ये एक मेहनत तलब काम है, लेकर आना और किसी को फिर डील करना वो किस तरह का बंदा है अपने के लेगा या नहीं लेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस वजह से बस मैं ये कि मैं ये करता हूँ, अब ओल्ड होने की वजह से थोड़ा सा भारी काम मैं अब कर भी नहीं सकता। अच्छा अच्छा। तो अपनी तरह जो उम्र पीछे गुजरी उसमें करते रहे हैं काम, जो भी गुजारा होता रहा है बस इस सिस्टम से। आपके आपके अबू हैं? अबू वाल साहब जिंदा हैं। अच्छा। मतलब के एक बहन है, भाई है, एक वो अपना सिस्टम का घर अलग है, मैं अलग मकान किराए में रहता हूँ, एक बीवी है, एक बच्चा है 2.5-3 साल का। अच्छा। तो बस गुजारा हो जाता है इसमें से मुझे? पहले था, अब ज़रा बहुत ज़्यादा मेहनत ज़्यादा कठिन करनी पड़ती है तभी जाके। अच्छा। किसी किसी टाइम को जेन बनता तो है कि अगर जब तक मेरा सिस्टम बीवी बच्चों तक चलता है तो मैं करूँ ये काम, नहीं तो किसी टाइम जेन हट जाता है इससे, नौकरी कर लो कभी कोई अच्छी सी नौकरी, अगर कोई मुझे 30,000 तक अगर कोई सही कोई लेवल की मिले, थोड़ा बहुत मैं पढ़ लिख भी लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। उम्मीद कर, अच्छा बहुत शुक्रिया आपका सर। माशा से आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा ये है, अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ है इसमें और मक्का मदीना कुरान पाक सूरत वगैरह लिखी है माशा से। तो देख जो आज का जो चल रहा है दौर चल रहा है पाकिस्तान का, गुर्बत इतनी हो चुकी है कि इंसान को कोई जॉब नहीं मिली, तो ख़ासतौर पर जो गरीब लोग हैं वो बेचारे काम करें या क्या करें, वो बेचारा बेचारा कि उसके अबू वगैरह बेचारा वो रहता रहा किराए पर रहते हैं, किराए पर रहते हैं, उस बेचारे को ये काम करने में मजबूरी पड़ रही है कि ये काम कर रहा, मैंने ये काम कर रहा, मजदूरी कर रहा, अपने बच्चों का सिस्टम ला रहा है, किराए पर रह रहा है, और बेचारे की एक बीवी है, बच्चे हैं, किस तरह सिस्टम चले?
गरीब बंदों का ना कोई है, सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है जो गरीब बंदे के साथ हैं, और ना कोई किसी का नहीं है पाकिस्तान में ना दुनिया में, दुनिया में तो पूछा नहीं जाता किसी को, कोई भी गरीब वगैरह हो उसको पूछा नहीं जाता, कोई जाता भी है कोई हेल्प भी करता है तो दिखाते हैं तो भाई हम इसकी हेल्प कर रहे हैं, दिखावे की हेल्प मत करें कभी, दिखावे की कभी हेल्प ना करें, इसको जाके चुप करके देख के आ जाए, किसी को पता भी चले एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता ना होना चाहिए कि हमने उसकी हेल्प की है, ऐसे करो हेल्प सबकी। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आप भाई हमारे हैं इतने लाहौर पर रहते हैं, अगर कोई शख्स इनकी हेल्प करना चाहता है बेचारे की तो आप इनकी हेल्प करें, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।